सेल्फ ड्राइविंग देन ध्यान में रखो सीधा 1000 रुपीज का फाइन है ऐसा बोला हमें कुछ ड्राइवर लोगों ने। बज रहे हैं 8। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पीस। हम दोनों अभी बीच अवतार में आ चुके हैं। वैसे लौंडा स्मार्ट तो लग रहा है पीस। सो पीस ब्रोस, एज यू कैन सी हम बीच वेयर के साथ पूरे बीच की फीलिंग लेने वाले हैं आज, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वारकला बीच। यहाँ से 150 किलोमीटर है, 130-150 किलोमीटर के अराउंड होगा। पहले जाएंगे तिरुवनंतपुरम एंड देन वारकला। वारकला पे क्लिफ बीच रिसोर्ट हम लोगों ने बुक कर लिया है, डायरेक्ट वहाँ पे ही जाना है। बीच में कुछ कुछ डेस्टिनेशन आज आएंगे लेकिन हम लोग नहीं जाने वाले क्योंकि हनीमून पे निकले हैं यार। फुल चिल ही मारना है हम लोगों को वहाँ पे जाके, कुछ टाइम पास करना नहीं है। अभी मैडम के साथ कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे देख लेना ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, इट्स टपू टंडेल। ओहो गाई तो क्या चकाचक हो गई है। पोंगल की अगर बात करें तो गुजरात में जो खिचड़ी मिलती है सेम वैसा ही टेस्ट है सांभर और चटनी के साथ। बिल 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 मिलते हैं सर। ओके ओके। सो फूड काफ़ी टेस्टी था यहाँ पे एंड स्टाफ भी काफ़ी, ओनर भी काफ़ी फनी थे, मज़ा आया उनके साथ। और ये है होटल त्रिवेणी, यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा रश था तो ऑर्डर सर्व करने में थोड़ी देर हो रही थी, लेकिन फूड हाइजेनिक था, साफ़ सफाई अच्छी है होटल पे तो खाना अच्छा लगा। और हाँ, दूसरा जूस ऑर्डर किया, जूस में चाशनी का टेस्ट ज़्यादा था तो फ्रेश जूस में उतना मज़ा नहीं था, लेकिन खाने का मज़ा आ गया, साउथ इंडियन का प्रॉपर टेस्ट लगा यहाँ पे। और हाँ, रोड्स के बारे में एक अपडेट था वो आपको देना था। ऑल ओवर केरला में मोस्ट ऑफ द एरिया में मोस्ट ऑफ द रोड्स पे 80 का स्पीड लिमिट है। सो इफ़ यू आर सेल्फ ड्राइविंग देन ध्यान में रखो सीधा 1000 रुपीज़ का फाइन है ऐसा बोला हमें कुछ ड्राइवर लोगों ने। और पूरे रूरल एरिया में हॉस्टल रोड्स है सब, तो बच्चे हैं, जानवर हैं, कोई भी अचानक से रास्ते में आ सकता है। सो ध्यान में रखो ठीक है। ओके, तो बच चुके हैं 12 और 80-90 किलोमीटर्स हम लोगों ने कन्याकुमारी से वारकला की ओर ड्राइव किया है। त्रिवेंद्रम के अराउंड पहुंचे थे, 90 किलोमीटर्स अराउंड ड्राइव हो गया था तो बीच में कोवलम बीच का साइन बोर्ड आया था तो हम लोगों ने कार मुड़ा दी है कोवलम बीच पे। कोवलम बीच पे यहाँ पे पूरा पार्किंग है, वहाँ पे ही अपनी डस्टर रख दी है। और यहाँ पे बहुत सारे सी फेसिंग रिसॉर्ट्स है, लेकिन वो सब बाद में करते हैं, पहले बीच का ड्रोन शॉट देख लो। हाँ, यहाँ पे बहुत ही सारे सी फेसिंग रिसॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स है। अगर आप आ रहे हो गूगल करके आ जाओ, थोड़ा R&D करके आना तो सस्ते में आपको होटल्स भी शायद मिल जाएंगे, उतना मालूम नहीं है मुझे क्योंकि हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट आ गए थे। रास्ते में साइन बोर्ड दिखा, दीदी ने बोला कि जाना है तो आ गए हम लोग। दूसरी बात ये कि कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम तक का रूट
बहुत ही नैरो है, पूरा रूरल एरिया गाँव में से निकलता है, तो मार्केट एरिया आ जाएगा बीच बीच में, तो संभल के ड्राइव करो ठीक है। अभी 30 किलोमीटर बाकी है वारकला के लिए, त्रिवेंद्रम क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और एज यू कैन सी, सो अभी राइट टर्न लेके वहाँ से एंड पूरा सी फेसिंग रोड स्ट्रेट टू वारकला फॉर 30 किलोमीटर। ओके सो हम लोग अभी पहुंच गए हैं वारकला और यहाँ पे ये रिसोर्ट में हम लोगों ने चेक इन किया है। और आप पहले रूम टूर देख लो एंड देन ड्रोन शॉट्स देख लो, पहले ड्रोन शॉट्स देख लो बाद में रूम टूर देख लो, बाकी का अपडेट्स उसके बाद में देता हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप रोलिंग विद पीस ब्रो। ये देखो सनसेट हो रहा है वहाँ पे, मैंने टाइम लैप्स के लिए रखा है और उसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गए हम लोग, नीचे जाके कुछ फोटोग्राफी करनी है। एंड बाय द वे रिसोर्ट वालों ने ये पूरा रास्ता जो है क्लिफ से नीचे उतरने के लिए बनाया है। मज़ा आ रहा है, अभी हम लोग नीचे जाते हैं कुछ फोटोग्राफी करते हैं। एंड या अभी आपको सनसेट वाला टाइम लैप्स मिलेगा, वो देखने के बाद सी यू इन द नाइट एट डिनर, पीस। ओके सो हम लोग वारकला की जो मेन स्ट्रीट है मार्केट स्ट्रीट वहाँ पे घूम रहे थे, सनसेट का मज़ा लेके यहाँ पे आ गए हैं। मार्केट की मेन स्ट्रीट है, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक सी व्यू रेस्टोरेंट मिला है और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा सी फूड रखा हुआ होता है रॉ, वो आपको सिलेक्ट करना है, वही आप इनको बताओ, आप बोलो उसके हिसाब से वो कुक करके देंगे। सो क्या खाने वाले हो आज? प्रॉन्स मसाला और करी। प्रॉन्स मसाला प्रॉन्स करी। फिश में क्या खिला रहे हो आप? इसमें बटर फिश आपको इसको देगा विथ बनाना लीफ। फिश एंड बनाना लीफ केरला स्टाइल बिल्कुल। ओके ओके एंड ये प्रॉन्स चाहिए हमें ठीक है? प्रॉन्स है, बड़ा वाला प्रॉन्स है। ओके इससे बड़ा भी है, इसमें लॉबस्टर बोलते हैं लॉबस्टर। ओके ओके व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फिश? बटर फिश। बटर फिश ओके। एंड व्हाट इज नेम ऑफ दिस? तो फ्री फ्री है, फ्री देगा इसको। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश? दिस फिश ब्लू मार्ले। ब्लू मार्ले ओके। ये है बनाना लीफ डिश। वाओ यम्मी। ये है प्रॉन्स मसाला एंड और क्या था? मिक्स फ्राइड राइस। मिक्स फ्राइड राइस दैट्स माय ऑल फेवरेट गार्लिक नान। तो हम लोगों ने ये सब ऑर्डर किया था, खाते हैं, टेस्ट करने के बाद आपको बोलता हूँ कि फूड कैसा था, रिकमेंडेड है या नहीं ठीक है। दिस इज बटर फिश कुक इन बनाना लीफ। टेस्ट करते हैं।
बहुत ही फ्रेश है, थोड़ी सो डिलीशियस ही है। एकदम डिलीशियस डिनर किया हम लोगों ने, एंड वो भी यहाँ पे पूरा सी व्यू है। आई नो रात को दिख नहीं रहा होगा, बट या सुबह में हम लोग आने वाले हैं। सुबह के 8 से रात के 12 बजे तक मार्केट खुला रहता है। अभी एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं, तो होटल पे जाते हैं। और हाँ, दूसरी बात, कल हम लोग यहाँ पे दिन में भी आएंगे, तब आपको ये पूरा सी व्यू दिखाऊँगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ पर बैठ के डिनर किया है। तीसरी बात, रोड्स की अगर बात करें तो कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम एंड देन त्रिवेंद्रम टू वारकला, कन्याकुमारी टू त्रिवेंद्रम का रास्ता थोड़ा नैरो है, रूरल रोड्स है, लेकिन त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के बाद पूरा 6 लेन हाईवे है लेकिन वहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है, तो वो ध्यान में रखो। और व्यूज़ तो आपने देख ही लिए, भर भर के ड्रोन शॉट डाले हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वहाँ पे डिनर का बिल था 1600 या 1800 पर 4 पर्सन, सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 400 to 500 पर पर्सन, देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे, यहाँ पे आप डिनर कर सकते हो। ओके, सी यू टुमारो गाइस, टिल देन कीप रोलिंग विद पीस ब्रो, पीस। Thank you.